पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में 20 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही सभी विद्यालयों को शासन के आदेश पर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि सभी स्कूल एक सप्ताह के लिए समर कैंप आयोजित करेंगे, जिसमें सभी बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ अनेक गतिविधियों में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। योगा, पेंटिंग, खेलकूद के साथ अनेक गतिविधियों में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने कहा कि शासन के आदेश पर एक सप्ताह के लिए सभी स्कूलों में अब समर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर शहर के कई विद्यालयों में तैयारियां भी की जा रही हैं। मकसद यही है कि कुछ समय के लिए बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए कार्य किया जाए। सिटी चैनल से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने बताया, शैक्षिक कैलेंडर जो जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा, उसके अनुसार 20 मई से 30 जून तक प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है। इसी मध्य शैक्षिक कैलेंडर में समर कैंप आयोजित किए जाने का निर्देश दिया गया है और वो निर्देश सभी विद्यालयों में सर्कुलेट कराया जा चुका है। उसके अनुसार सभी प्रधानाचार्यों से मेरी अपील है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था देते हुए अधिक से अधिक समर कैंप का आयोजन कराया जाए और जिससे कि बच्चों की समस्याओं का निराकरण हो सके। खूब गर्मी पड़ रही है, गर्मी में सतर्क रहें, सजग रहें, बहुत ज़रूरत हो तभी दोपहर को निकलें, नहीं तो अनावश्यक रूप से दोपहर से घर से बाहर न निकलें। एक हफ्ते का, ये 21 तारीख से 28 तारीख तक का समर कैंप।